फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ आइस के बारे में डिस्कस करना है. ठीक है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही एक है आपके पास. इसमें क्या है जी, द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर. आपको पता है जी, जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहाइड्रल टेट्राहाइड्रल कहते हैं जी, जिसकी चार टांगे हों. टेट्रा चार हाइड्रोमिन लेग्स की बात करें. कैसे है, टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाई टू कॉर्नर ऑफ द टेट्राहाइड्रॉन. अब कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर इस तरह है थोड़ा सा, जो टेट्राहाइड्रल की इन्होंने बात की है कि आपके पास जो ऑक्सीजन होता है, जैसे ऑक्सीजन इसके पास क्या होते हैं, सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6. ठीक हो गया. अब इसमें क्या होता है जी, जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके पास, दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है, तो जो इसके दो होते हैं वो तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन के साथ हो जाते हैं. बाकी क्या होता है जी, जो इसके पास मौजूद होते हैं वो लॉन पेयर बलून्स लाइक होते हैं, दिस वन. ठीक है जी, तो ये अगर देखा जाए तो क्या है आपके पास, 1, 2, 1, 1, 2, 3 और 4. 4 है आपके पास दिस वन. तो ये स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहाइड्रल. तो ये ऑक्सीजन जो है, वाटर जो है वो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से दो लोन पेयर होते हैं वो दोनों साइडों पर मौजूद होते हैं आपके पास. ठीक हो गया जी. इन लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड विद ईच अदर, एंड दीज एसोसिएशन ब्रेक एंड रीफॉर्म बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर मोबाइल. कहते हैं लिक्विड स्टेट में क्या होता है जी, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं. कैसे जुड़े हुए होते हैं, आप लोगों ने देखा कैसे एसोसिएट हुए हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए वो दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ अटैच है, तीसरे के साथ, इनके सारे आपस में एसोसिएट हुए हैं. लेकिन क्या होता है जी, इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो बनता है, टूटता है, बनता है. क्यों, क्योंकि वाटर मालिक वाटर के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो मोबाइल फेस में, क्योंकि वो मूव करते हैं एक जगह पे, जहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा टाइम होता है वहां पे वो बॉन्ड बना लेते हैं, और फिर जैसे ही वो मूव करते हैं बॉन्ड ब्रेक करता है, फिर बॉन्ड बनता है, फिर ब्रेक होता है. तो कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज डिक्रीज. लेकिन जब पानी का टेम्परेचर आप डिक्रीज करते हो तो क्या होता है, ऐसा ऐसा आपका वाटर जो है, जो लिक्विड स्टेट है, वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है सॉलिड के अंदर, यानी कि वाटर आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. अब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रेगुलर, उनके दरमियान मूवमेंट कम हो जाती है, वो रेगुलर हो जाते हैं, एंड दिस रेगुलरिटी एक्सटेंडेड थ्रू आउट द होल स्ट्रक्चर. और ये पूरे स्ट्रक्चर में रेगुलरिटी हो जाती है. और ऐसे ही आपको पता है सॉलिड्स में जो मूवमेंट होती है जी, सॉलिड्स में जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है जी, कम होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स. ठीक है, यानी वाइब्रेशनल मोशन होती है, हमने पीछे डिस्कस किया था. तो अब क्या होगा, स्ट्रक्चर जो होगा वो रेगुलर हो जाएगा, और पूरे स्ट्रक्चर में रेगुलरिटी आ जाएगी. एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड इन द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर्स में क्या हो जाता है जी, एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती है. कैसे एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती है जी, दिस वन आपके पास क्या हो गया जी, स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो गया, इसमें रेगुलरिटी आ गई. अब देखें सॉलिड्स बहुत बहुत आपस में कंपैक्ट हो गए, अब इन कंपैक्ट की वजह से इनमें क्या हो जाएंगी, स्पेसेस आ गई. दीज आर द स्पेसेस, ये क्या आ गई, स्पेसेस आ गई हैं. ठीक है, तो क्या होगा जी, जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इनके दरमियान स्पेसेस आ जाएंगी जी, एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड इन द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में एम्प्टी स्पेसेस आ जाएंगी, दैट इज व्हाई व्हेन वाटर फ्रीज, जो वाटर फ्रीज होता है इट ऑक्यूपाइज 9% मोर स्पेस एंड इट्स डेंसिटी डिक्रीज. आपने देखा होगा कि जो पानी आपने रखा होता है आइस बनाने के लिए, वो मोर स्पेस, जब वो आइस बनता है तो वो मोर स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज कम्पेयर टू लिक्विड. वो क्या होता है, क्योंकि स्पेसेस क्रिएट हो गई, उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. रिजल्ट इज द आइस फ्लोट इन वाटर. क्या होता है जो डेंसिटी जब डिक्रीज होगी, तो आपने देखा होगा कि आपकी जो बर्फ होती है वो वाटर में क्या करती है, फ्लोट कर रही होती है. फ्लोट करने की रीजन क्या है, क्योंकि डेंसिटी कम है. द स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज जस्ट लाइक दैट ऑफ डायमंड, बिल्कुल ये डायमंड की तरह है. ईच एटम ऑफ कार्बन इन डायमंड इज एट द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल. बिल्कुल इसी तरह डायमंड में भी क्या होता है कि आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ये कार्बन है, ठीक है जी, यहाँ पे कार्बन होगा, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन. तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, डायमंड का. डायमंड में भी इसी तरह टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक ऑक्सीजन और द वाटर मॉलिक्यूल ना, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके पास ऑक्सीजन वाटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर में मौजूद होते हैं. क्लियर हो गया जी, सिंपल बात की है कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपके पास मोशन में होते हैं, जिसके से बॉन्ड ब्रेक करता है और रीफॉर्म होता है. लेकिन जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो क्या होता है जो इनके दरमियान रेगुलरिटी हो जाती है, मोशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है. क्या होगा, जब वो आइस में कन्वर्ट होता है तो उनके दरमियान स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं. जब स्पेसेस क्रिएट होती है, स्पेस मोर ऑक्यूपाई करता है, मास ज्यादा हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है. तो इसी वजह से आइस जो होती है वो फ्लोट करती है वाटर पे. तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई आइस फ्लोट इन वाटर.
जी, द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ आइस डेट लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कॉज वाटर इन पाउंड्स एंड लेक्स टू फ्रीज फ्रॉम सरफेस टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये तो इस लो डेंसिटी की वजह से क्या होता है, जो लिक्विड वाटर जब 0 डिग्री पे पहुंचता है तो आपने देखा होगा पानी ऊपर से नीचे की तरफ जो होता है फ्रीज करना शुरू करता है। कभी आपने फ्रिज में फ्रीजर में जो आप आइस को जमाते हो कभी देखा होगा, प्याले में पहले ऊपर बर्फ की तय बर्फ बनना शुरू होती देन नीचे की, जब कच्ची बर्फ होती है आप तोड़ हो तो ऊपर से जब बर्फ की लेयर टूटती तो अंदर से क्या होता है पानी निकलता है, ठीक हो गया। तो इसी तरह पाउंड्स और लेक्स में भी जो होता है वो वाटर जो होता है वो सरफेस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रीज करना शुरू करता है। वाटर अटेन्स द टेंपरेचर ऑफ 4 डिग्री बाय द फॉल ऑफ टेंपरेचर इन द सराउंडिंग। वाटर क्या करता है जी, वाटर के पास जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री हो जाता है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग एज द आउटर एटमोसफेयर बिकम फर्दर कूल। जैसे ही आउटर बाहर मजीद कूल होती है द वाटर द सरफेस बिकम लेस डेंस, ऊपर वाला सरफेस की वाटर की डेंसिटी मजीद कम हो जाती है। दिस लेस डेंस वाटर बिलो 4 डिग्री स्टे ऑन द टॉप ऑफ स्लाइटली वार्मर वाटर अंडरनीथ। कहते हैं ऊपर से जो होती है बर्फ की लेयर जो होती है वो क्या होती है आपके पास 4 डिग्री में स्ट्रांग होती है, लेकिन नीचे जो होता है वाटर में जो जी अब क्या होगा जी, दिस लेयर ऑफ आइस आइसोलेट्स द वाटर अंडरनीथ। अब क्या होगा, नीचे पानी जो मौजूद होगा वो गर्म होगा और ऊपर लेयर होगी, ठीक है जी। दिस लेयर ऑफ आइस आइसोलेट द वाटर, ये वाटर को आइसोलेशन करती है कि फर्दर आपका हीट लॉस जो होता है वो नहीं होता। फिश एंड प्लांट सर्वाइव अंडर द ब्लैंकेट और इसी वजह से क्या होता है आपने देखा होगा जो कोल्ड एरियाज हैं वहाँ पे जब ऊपर वाली लेयर तोड़ी जाती है तो नीचे से जो गर्म पानी निकलता है उसमें फिशेज भी सर्वाइव कर रही होती हैं और प्लांट्स भी सर्वाइव कर रहे होते हैं। कीपिंग द होल डिस्कशन वी आर फोर्स टू बिलीव दैट पैटर्न ऑफ द लाइफ और प्लांट्स एंड एनिमल वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। इसका मतलब है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं होगी तो टोटली तो इनका पैटर्न क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है जी क्लेंजिंग एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ठीक है जी। क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट परफॉर्म द क्लेंजिंग एक्शन। कहते हैं जी आपने देखा होगा जो सोप और डिटर्जेंट सर्फ वगैरह जो आप यूज करते हो क्लीनिंग पर्पजेस के जरिए ये क्लेंजिंग एक्शन करते हैं बिकॉज द पोलर पार्ट ऑफ देयर मॉलिक्यूल आर वाटर सॉल्युबल। इनके पास क्या होता है, अगर हम कंसिडर करें जी सोप और डिटर्जेंट्स को तो बेसिकली इनके पास दो चीज होती है, एक हेड होता है ठीक है और एक इनकी क्या होती है टेल होती है। हेड जो होता है आपका इनका पोलर पार्ट होता है ठीक है हो गया, और इनका जो टेल होती है वो कौन सा होता है जी नॉन पोलर पार्ट होता है, यानी कि एक पोलर होता है नॉन पोलर। जो पोलर पार्ट होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जो नॉन पोलर पार्ट होता है वो वाटर से आउटसाइड होता है, ठीक है आउटसाइड होता है। और यही पार्ट जो होता है आपके डर्ट पार्टिकल जो कपड़े पे जर्म्स लगे होते हैं या डर्ट पार्टिकल्स लगे होते हैं उसके साथ अटैच होता है बिकॉज दे आर अल्काइल। अब ये नॉन पोलर पार्ट या तो अल्काइल हो सकता है या बेंजाइल पोर्शन होता है और ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, क्लियर हो गया जी। अब नेक्स्ट है जी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, आपके जो फूड होते हैं बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम्स में भी होती है। प्रोटीन आपको पता है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। फाइबर्स लाइक दोज फाउंड इन हेयर, आपके हेयर्स में सिल्क में मसल्स के अंदर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। बेसिकली प्रोटीन आपके पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल है और वो छोटे छोटे क्या होता है जी बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन करते हैं लाइक अमीनो एसिड्स तो आपके पास प्रोटीन बन जाता है। दीज लॉन्ग चेन्स आर कोलाइड अराउंड वन एंड अदर इनटू अ स्पाइरल और द स्पाइरल इज कॉल्ड हेलिक्स। क्या होता है जी ये जो आपके पास होता है लॉन्ग चेन एक दूसरे क्या होते हैं राउंडेड इस तरह मौजूद होते हैं और जब ये क्या होते हैं कोलाइड होते हैं वन एंड अदर में, दिस वन कोलाइड हो रहे हैं वन एंड अदर में तो ये हेलिक्स बना रहे हैं। सच अ हेलिक्स में भी राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, या तो ये राइट हैंडेड भी हो सकता है या तो ये लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है ठीक है। इन केस ऑफ राइट हैंडेड हेलिक्स द ग्रुप लाइक NH एंड CO आर वर्टिकली एडजेसेंट। कहते हैं अगर आपके पास ये राइट हैंडेड है तो आप इसमें मौजूद जो NH और C है दीज आर वर्टिकली अटैच वर्टिकली दिस वन लाइक टॉप टू बॉटम ठीक है वन एन एंड दे आर लिंक टूगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी तरह आपके पास जो इसमें NH है और जो C डबल बॉन्ड O है ये आपस में कनेक्टेड किसके जरिए हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए कनेक्टेड है ठीक हो गया। दीज हाइड्रोजन बॉन्ड लिंक वन स्पाइरल टू अनदर। इसी तरह आपके क्या मौजूद है एक स्पाइरल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और जब दो स्पाइरल आपस में जुड़े हुए हैं तो इनके दरमियान भी क्या मौजूद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। तो आपके एक स्पाइरल में भी मौजूद है और पूरे हेलिक्स भी जो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है ठीक है जी उसमें भी क्या मौजूद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है ठीक है। द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन द अदर ठीक है एक्सरे एनालिसिस शो दैट ऑन द एवरेज देयर आर 27 अमाइनो एसिड ऑन ईच टर्न ऑफ हेलिक्स। कहते हर हेलिक्स के टर्न में
दिस इज हेलिक्स टर्न. हर हेलिक्स के टर्न में ऑलमोस्ट कितने अमीनो एसिड मौजूद है? 27 अमीनो एसिड मौजूद है. ठीक हो गया. डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे डीएनए कहते हैं, इसके टू स्पाइरल स्ट्रेन होती है. जो आपने डीएनए कभी देखा होगा, तो बेसिकली डीएनए जो है, डीएनए में क्या होता है, जो डबल होती है, दीज आर कोलाइड अबाउट ईच अदर ऑन कॉमन एक्सिस, और कॉमन दीज आर द कॉमन एक्सिस जिनमें कॉमन एक्सिस में क्या करें, कोलाइड कर रहे हैं. ठीक है. इन दिस वे दे गिव अ डबल हेलिक्स, ये आपको डबल हेलिक्स दे रहा है. दिस इज 18 to 20 आर्मस्ट्रॉन्ग डायमीटर, यानी कि इसका जो डायमीटर है, इनकी ये डायमीटर क्या है, 18 to 20 आर्मस्ट्रॉन्ग है. दे आर लिंक टूगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और ए मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि आपके ये दोनों जो है किसके जरिए लिंक्ड है, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए लिंक्ड है. Like this one. ये देखिए बने आपके पास तमाम स्ट्रक्चर. ठीक है जी. अगर आप देखो तो इसमें जो है वर्टिकली अटैच है फर्स्ट ऑफ ऑल NH और CO, और किसके जरिए अटैच है, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अटैच है. ठीक है जी. हर स्पाइरल्स में ऑलमोस्ट कितने अमीनो एसिड है, हमने कहा 27 अमीनो एसिड्स हैं. और देखिए ये दोनों स्पाइरल्स जो है एक दूसरे के साथ किस बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जुड़े हुए. ठीक हो गया. तो दैट्स मीन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो आपके कहाँ कहाँ मौजूद है जी, आपके लिविंग बॉडी में मौजूद है. इसके अलावा फूड मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट जिसमें आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, दे ऑल हैव ओएच ग्रुप. इन सब में ओएच ग्रुप होता है जिसके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग पेंट्स में, डाइज में, टेक्सटाइल मटीरियल में भी होता है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पेंट एंड डाइज इज देयर एडहेसिव एडिक्शन. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आप पेंट करते हो, डाइज करते हो. ठीक है जी. आपने देखा होगा पेंट जो है वो दीवार पर एडहेसिव हो जाता है, चिपक जाता है. डाइज करते हो तो दीवार पर चिपक जाता है. This property is developed due to hydrogen bonding. ये किस वजह से develop हुआ है, क्योंकि hydrogen bonding है. ठीक है जी. Obviously तभी paint जो है ये dyes जो होती हैं वो चिपक जाते हैं. Similarly type of hydrogen bonding makes glue and honey as a sticky substance. इसके अलावा आपने glue देखा होगा, थोड़ा sticky substance, चिपचिपा होता है. Honey जो होती है वो चिपचिप होती है due to hydrogen bonding. We use cotton, silk and synthetic fiber for clothing. हम लोग cotton use कर रहे होते हैं, silk use होते हैं, synthetic fiber कपड़ों के लिए use कर रहे होते हैं. ये भी important material है. इसमें भी important जो है वो क्या है जी, hydrogen bonding है जो इसकी थ्रेड में होती है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्स है इसी